दोस्तों इस समय चाइनीज स्मार्टफोन हुए या चाइनीज ऐप्स हुए, इन सभी को जो है बायकॉट करने की बहुत जबरदस्त मुहिम इंडिया के अंदर चल रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब चाहते हैं कि सिर्फ वो जो यूज करे तो यूज करेंगे, सिर्फ जो है मेड इन इंडिया स्मार्टफोन ही यूज करेंगे, किसी चाइनीज कंपनी का वो स्मार्टफोन यूज नहीं करेंगे। तो कल माइक्रोमैक्स की तरफ से अनाउंस किया गया था कि वो 3 नए स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च करने जा रहे हैं, और उससे पहले यहाँ पर जो है इंडियन जो यहाँ पर मिनिस्ट्री है उनके द्वारा भी जो 52 ऐप्स चाइनीज ऐप्स थे उनकी लिस्ट जारी की गई थी कि ये सभी ऐप्स आपको आपके स्मार्टफोन पर नहीं रखने चाहिए। लेकिन दोस्तों अब जो है माइक्रोमैक्स के बाद में लावा और कार्बन भी आप लोगों के लिए आ गए हैं कि वो भी आप जो है स्मार्टफोन बनाने जा रहे हैं। तो लावा और माइक्रोमैक्स की तरफ से भी काफी अच्छी न्यूज आ रही है। तो आज के स्टूडियो में दोस्तों यही बात करेंगे कि माइक्रोमैक्स के बाद में अब लावा और यहां पर कार्बन की तरफ से स्मार्टफोन मार्केट को लेकर क्या कुछ कहा गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको आप प्रेस कीजिए, और जो साइड में बेल आइकन आता है उस पर जो है आप क्लिक कीजिए, और बाद में आप जो है ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले इंडियन जुगाड़ टैग पर। तो दोस्तों इस समय जो है अभी जो है एक बहुत ही बड़ा यहां पर अभियान चला हुआ है इंडिया के अंदर की सभी चाइनीज ऐप्स को अपने स्मार्टफोन पर जो है अनइंस्टॉल कर दें। किसी भी चाइनीज ऐप को आप अपने स्मार्टफोन पर जो है ना रखें, क्योंकि वो जो है आपकी इंफॉर्मेशन चाइना के साथ में शेयर करते हैं, आपका डेटा वो चोरी करते हैं, और कभी भी वो चाइनीज गवर्नमेंट को उसे सेल कर सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी ऐसी जो है 52 ऐप्स की लिस्ट जो है यहाँ पर दी गई थी। तो वो तो ऐप आपको स्मार्टफोन पर बिल्कुल से नहीं रखनी चाहिए, और उनकी जगह दूसरी ऐप आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उन 52 ऐप्स में से आप लोग बिल्कुल भी कोई भी ऐप यूज़ ना करें। बात करें दोस्तों यहाँ पर चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट की इंडिया के अंदर, तो काउंटर पॉइंट के द्वारा एक रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश की गई है कि फिलहाल यहाँ पर बात करें 2020 की, तो इंडिया में जो चाइना का जो मार्केट है यानी कि जो चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट है वो करीबन 81% है, यानी कि जो 81% लोग हैं वो यहाँ पर चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी जो है चाइनीज कंपनियों के स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। उसमें आपके ओप्पो, रियलमी, वीवो और यहाँ पर शोमी के रेडमी वाले डिवाइस हुए, वन प्लस वाले डिवाइस हुए, ये सभी डिवाइस जो है आ जाते हैं यहाँ पर चाइनीज स्मार्टफोन कैटेगरी के अंदर। लेकिन फिलहाल इंडियन जो है स्मार्टफोन मेकर्स की बात करें तो फिलहाल जो बड़े यहाँ पर स्मार्टफोन मेकर्स हैं दोस्तों उसमें सिर्फ माइक्रोमैक्स, लावा और कार्बन बसता है। तो माइक्रोमैक्स की तरफ से तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पर आ गया था कि वो आप लोगों के लिए 3 नए डिवाइसेज लेकर आ रहे हैं, 10,000 रुपये से कम में डिवाइस आपको प्रीमियम फीचर्स के साथ में मिलेंगे। तो यहाँ पर जो कार्बन कंपनी के डायरेक्टर हैं दोस्तों सचिन देवसारे, उनका स्टेटमेंट यहाँ पर आया है कि वो जो है अभी तक सिर्फ जो है फीचर फोन मार्केट पर जो है फोकस कर रहे थे, यानी कि वो सिर्फ जो है फीचर फोन बना रहे थे। लेकिन अब इंडिया में जो यहाँ पर देखा जा रहा है कि इंडियन स्मार्टफोन की जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ गई है, तो अब वो जो है स्मार्टफोन मार्केट में फिर दोबारा से आने जा रहे हैं और फिर से जो है वो स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहे हैं। सभी जो स्मार्टफोन उनके लॉन्च किए जाएंगे वो दोस्तों 10,000 रुपये से कम में लॉन्च किए जाएंगे। तो ये यहाँ पर कार्बन के जो यहाँ पर डायरेक्टर है उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। इसके अलावा जो लावा के जो CMD है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया, हरिओम राय की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि वो भी अभी तक ज़्यादातर जो फोकस कर रहे थे वो यहाँ पर जो फीचर फोन मार्केट है उसी पर जो है फोकस कर रहे थे, वो जो स्मार्टफोन है वो बहुत ही कम यहाँ पर लॉन्च कर रहे थे। लेकिन फिलहाल अब वो जो है फिर से स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहे हैं, यानी कि अब वो जो है पहले से ज़्यादा स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे, और इनकी भी जो कीमत बताई जा रही है वो यहाँ पर काफ़ी कम बताई जा रही है कि वो भी आपको 10,000 रुपये से कम में प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि जो इंडियन लोग हैं जो उन्हें आगे सपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि फिलहाल जो सेंटिमेंट इंडिया के अंदर चल रहे हैं लोगों के बीच में वो कुछ दिन बाद शांत ना हो जाए, तो उन्हें जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो है इंडियन जो कंपनी है वो यहाँ पर कामयाब हो पाएगी। तो मेरे हिसाब से माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन तो अब बहुत ही अच्छा कदम यहाँ पर उठाने जा रहे हैं कि वो मेड इन इंडिया स्मार्टफोन साथ में जो है मेड बाय इंडियन स्मार्टफोन लेकर आ रहे हैं, और इंडिया की ही ये कंपनी होने वाली है। तो अगर ये प्रीमियम फीचर्स के साथ में अच्छे से डिवाइस लेकर आते हैं अच्छी कीमत में, तो मेरे हिसाब से यार आप लोगों को बिल्कुल भी जो है यहाँ पर जो चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स हैं उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वैसे आप लोग यार यहाँ पर बताइएगा कि लावा, माइक्रोमैक्स, कार्बन जो है कुछ ऐसे स्मार्टफोन यहाँ पर ला सकते हैं जिन्हें आप खरीदना पसंद करेंगे, ओप्पो, रियलमी, शोमी के डिवाइसेस की अपेक्षा जो है आप इनके स्मार्टफोन खरीदना पसंद करेंगे, वो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और जो भी लोग चाहते हैं कि ये सभी कंपनियां अच्छे से डिवाइस लेकर आएं
तो वो लोग यहाँ पर जो है वोकल फॉर लोकल यहाँ पर जो है नीचे टाइप कर सकते हैं, क्योंकि यही मुहिम यहाँ पर चल रही है कि वोकल फॉर लोकल। तो यही आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, जय हिंद वंदे मातरम टाइप कर दीजिएगा। आप लोग बताइएगा कि कितना ज़्यादा लोग यहाँ पर चाहते हैं कि मेड इन इंडिया स्मार्टफोन ही और जो इंडियन कंपनी के स्मार्टफोन ही आप लोगों को मिले। तो सभी लोग नीचे वंदे मातरम जय हिंद जरूर से टाइप कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये कुछ न्यूज़ आ रही थी आज माइक्रोमैक्स लावा और कार्बन की तरफ से। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।